हेलो दोस्तों, पत्रिका एंड्रॉइड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उन टीवी सीरियल की जो बंद होने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत में अधिकतर लोग अपने मनोरंजन का जरिया टीवी को मानते हैं, जो आज भी कई जगह प्रचलित है, क्योंकि टीचर हफ्ते में एक बार आती है। लेकिन ये टीवी सीरियल में लोग रोजाना अपना मनपसंद शो देखते हैं और इसमें कई प्रकार के ट्विस्ट कहानी ऐसी होती है जो उनको बांध कर रखती है। इसलिए वो इंतजार करते हैं कि अगली कड़ी में क्या होने वाला है, कि क्या ट्विस्ट होगा जो उस कहानी और रोमांचक बनी रहती है, इसे मतलब मिलती रहती है उनको। आज हम बात करें उन टीवी सीरियल की जो बंद होने जा रहे हैं। इस बात पे आते हैं, अभी हाल ही में एक टीवी शो बंद हुआ है। जी हाँ, स्टार प्लस का मशहूर शो है दिल संभल जा जरा, ये 2 फरवरी को अभी बंद हुआ है। इस शो में अच्छी एक प्रेम कहानी को दिखाया गया था कि एक उम्र में बड़ा है, दूसरा कम उम्र में है, मतलब एक बेटी की उम्र के समान उनको बताया गया है। ये कहानी शुरू में तो दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे कहानी में कोई नयापन या कोई ट्विस्ट देखने को नहीं मिला, तो ये टीआरपी भी पिछड़ती गई और अब ये शो 2 तारीख को बंद हो गया। इसी प्रकार ये शो नहीं है बल्कि आगामी शो ऐसे हैं जो बंद होने जा रहे हैं, जो आपके पसंदीदा सीरियल भी हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नामकरण की। खबरें आ रही है कि नामकरण शो जल्द ही बंद होने जा रहा है। ये शो में कुछ नया मिल नहीं रहा दर्शकों को, टीआरपी में कुछ हासिल भी नहीं हो रहा और शो के निर्माता इस कहानी को बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रहे। माना जा रहा है कि शो आगामी महीनों में ऑफ एयर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और सीरियल है जहाँ इश्कबाज, ये एक अच्छी प्रेम कहानी थी जो हर किसी को पसंद आ रही थी। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से फैमिली में एक अनजान लड़की या मतलब अपने जो होती अपनी लेवल के हटके जो लड़की को पसंद करते हैं उससे शादी करते हैं, उनको किस प्रकार से मतलब नजरिए से लोग देखते हैं, परिवार में उनको क्या किस लेवल पे तोड़ते हैं, हर तरह से इसको बताया गया था कि इस कहानी के अंदर लोगों को अच्छी ट्विस्ट मिले थे, कई मोड़ मिले और लोगों को रुचि भी थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा अब मिल नहीं रहा, लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, मतलब बोर हो रहे हैं, कहानी में कोई नयापन नहीं मिल रहा और टीआरपी में भी ये बहुत पिछड़ रही है। अब खबरें हैं कि ये भी शो इसी साल बंद होने वाला है। जी हाँ, ये भी बंद होने वाला है। इसी प्रकार से आपका पसंदीदा शो हो सकता है 51। जी हाँ, खबरें ये भी है कि 51 सीरियल भी बंद होने जा रहा है। इस शो में भी एक लड़की को बताया गया है कि जो एक लड़की को मानते हैं कि मोटी है या कुछ है, ये कर नहीं पाएगी, या वो महिला प्रधान मानते हैं कि वो शो भी अब बंद होने जा रहा है। एक लास्ट सीरियल एक और है, उसकी भी खबरें चल रही है कि ये भी बंद होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरी दुर्गा। जी हाँ, ये सीरियल भी बंद होने जा रहा है। इस सीरियल में कहानी में कुछ नयापन नहीं मिल रहा, वही किरदार है, वही नयापन नया ट्विस्ट नहीं दिख रहा, दर्शक इससे भी बहुत बोर हो गए हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि अब ये भी बंद होने जा रहा है। अब होता क्या है कि निर्माताओं को सोचना चाहिए कि दर्शक इनको कहाँ पसंद कर रहे हैं, कौन सी इनकी लाइन छूट रही है, टीआरपी में क्यों पिछड़ रही है, कहानी में नया ट्विस्ट डालना चाहिए जो दर्शकों को बराबर ये अपने और खींचता रहे, मतलब बराबर बने रहे। अब ये देखते हैं कि शो ये तो बंद हो ही रहे, अब खबर ये आ रही है कि आगामी टीआरपी रेस में कौन से पछड़ रहे हैं और कौन आगे चल रहे हैं। इसी रेस में कई सीरियल आगे देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि शायद ऑफ एयर होने की उनकी खबरें भी सामने को मिले। आप मनोरंजन की खबरें देखने के लिए, फिल्मी दुनिया की, टेलीविजन जगत की खबरें देखने के लिए आप हमारे पेज पे बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।